नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता। टॉप 10 खबरों में स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल हाईवे से टूटा संपर्क, सैकड़ों सड़क बंद, ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। बांग्लादेश में हिंसा अब तक जारी है। गोपालगंज इलाके में पूर्व पीएम शेख हसीना की देश वापसी हो, इस मुद्दे को लेकर हिंसा और प्रदर्शन के बीच भीड़ ने सेना पर हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख नेता मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को हिंसा प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला की निंदा की। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को जघन्य बताया और सभी युवाओं से हिंदू, ईसाई, बौद्ध परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बीजेपी आज देश भर में तिरंगा यात्रा करेगी शुरू। करीब 5 करोड़ तिरंगे यूपी में फहराने का है लक्ष्य। दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में पुलिस द्वारा बैरिकेड्स हटाने के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में शनिवार देर रात 47 आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई। इसमें कई जिलों के कलेक्टर और एसपी के नाम है तो वहीं 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी डीसी सागर का भी नाम शामिल है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में नियुक्त सभी अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीते दिन शनिवार को छात्रों के दबाव में प्रमुख न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया और अब केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह का शनिवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। कांग्रेस नेताओं ने नटवर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली के कोटला विहार फेज 2 में क्रिकेट ग्राउंड पर करंट लगने से 13 साल के लड़के की हुई मौत। अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकी हमले के बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ तेज किया अभियान। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।